Hello student, welcome back to our online classes. Today we will learn class 5th maths. Chapter number 4 है आपका topic parts and poles. इसमें हमें question number 3 में a part है आपका, इसको आपने simplify करना है student, और simplify करके आपको इसको solve करना है. जो part है आपका दे रखा है a part 2 whole 2 by 3 plus 3 होल 1 बाई 6 माइनस 1 होल 1 बाई 4. ये पार्ट को आपको कहा गया है कि आपको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करके जितना छोटा रूप इसका हो सकता है, इन सरल रूप इसका जितना हो सकता है, आपको उतना इसको सरल बना के सॉल्व करके आंसर निकालना है. तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है 2 होल 2 बाय 3 प्लस 3 होल 1 बाय 6 माइनस 1 होल 1 बाय 4. स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, ऑल आर मिक्स फ्रैक्शन. 2 होल 2 बाय 3 मिक्स फ्रैक्शन, 3 होल 1 बाय 6 मिक्स फ्रैक्शन, एंड 1 होल 1 बाय 4 इज ऑल्सो मिक्स फ्रैक्शन. आप देखोगे इनमें प्लस भी करना है फ्रैक्शन को, और कहीं पे हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है, ऐड और सब्ट्रैक्शन आपके एक साथ है स्टूडेंट. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. तो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारा है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इसके लिए आप क्या करोगे, जो ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दिख रहा है इसके डिनोमिनेटर से इस 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे, और न्यूमरेटर 2 इसमें ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा, यानी 3 इंटू 2 प्लस 2 बाय 3. इस तरीके से इसको आप करोगे स्टूडेंट. नेक्स्ट इसको भी आप सेम सिमिलरली जैसे आपने ये किया, 6 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, सिमिलरली आप इसको भी ऐसे करोगे, 4 इंटू 1 प्लस न्यूमरेटर 1 डिवाइड में आपका ये 4 ही रहेगा स्टूडेंट. इस तरीके से आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. अब आप इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लोगे. आपने सॉल्व कैसे करना है, आप देखोगे 3 इंटू 2 6 प्लस 2 यानी 8 बाय 3 प्लस, इसको भी आप सिमिलरली जैसे आपने ये सॉल्व करा है आप इसको भी करोगे, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 यानी 19 बाय 6, और लास्ट में आपका ये बचा आपका माइनस साइन, और ये वाला फ्रैक्शन है 4 इंटू 1 4 प्लस 1 यानी 5 बाय 4. इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये जो फ्रैक्शन आपने देखे मिक्स फ्रैक्शन, ये कन्वर्ट होके 8 बाय 3 प्लस 19 बाय 6 माइनस 5 बाय 4 में ये कन्वर्ट हो चुके हैं. अब आप यहाँ पे अगेन ऑब्जर्व करोगे, देखोगे आप यहाँ हर एक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, 3 6 4 ये डिफरेंट, आप ये डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है स्टूडेंट. आप ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या करना है, इनको सेम करना है. सेम करने का जो हमारे पास तरीका है, हमें इनका एलसीएम लेना होगा स्टूडेंट, यानी डिनोमिनेटर का 3 का 6 का और 4 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 4. तो स्टूडेंट इसके लिए आप रफ में कहीं इनका एलसीएम निकाल ले, मैं यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं आपको इनका एलसीएम 3, 6 एंड 4. तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट आपने वैसे 1 से शुरुआत होती है, बट ऑल आर नंबर्स डिविजिबल बाय 1, तो अगर 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर सेम ही आ जाएंगे, इसलिए हम 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उनसे डिवाइड शुरू करेंगे. मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर इसमें 3 में डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको
रिप्लेस करोगे नीचे ऐसी उतार लोगे और 2 का 6 में डिवाइड करो, 2 3 जा 3 टाइम होता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 से आपका 2 बचा, 2 से ये डिविजिबल है बट ये दोनों नहीं है, अभी भी आपका 2 से डिविजिबल है। अभी भी आप क्या करोगे, 2 से दोबारा से इसको डिवाइड करोगे, 3 में नहीं होता इसको आप ऐसे उतार लोगे, 3 में भी नहीं होता नहीं उतार लोगे, 2 1 जा 2, इस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखोगे 2 से ये डिविजिबल नहीं है कोई भी नंबर्स, 2 के बाद आप 3 चेक करोगे या 5 चेक करोगे, इसके बाद आप 7 चेक करोगे, तो मैं 3 चेक करता हूं स्टूडेंट, 3 से 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 1 में 3 का डिवाइड नहीं होता तो आप इसको ऐसे उतार लोगे, तो नीचे जब आपके 1111 आ जाएंगे तो आपका ये यहां पे आप इसको छोड़ दोगे और इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स, सॉरी ऑल थ्री नंबर्स का जो एलसीएम होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा स्टूडेंट इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2 × 2 यानी 4, 4 × 3 यानी 12। तो आपका 3, 6 और 4 का, 3, 6 और 4 का जो एलसीएम हमारा आया स्टूडेंट ये आपका कितना आया 12। तो ये आप रफ में एलसीएम निकाल के आपने यहाँ पे एलसीएम आपको राइट करना है कि आपका एलसीएम कितना आया है। अब हम लोग इसको आगे करेंगे क्वेश्चन को। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3, 6 और 4 जो आपके डिनोमिनेटर है सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है आपने जितना आपका एलसीएम आया यानी 12, यानी सारे के सारे फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर को आपने 12 बनाया। इसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, मुझे इस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर जो 3 है इसको 12 बनाना है, तो मुझे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, 4 का मल्टीप्लाई। जब मैं 3 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 4 = 12, तो ये डिनोमिनेटर आपका 12 हो जाएगा जितना हमारा एलसीएम है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 3 × 4, और मैथमेटिक रूल कहता है अगर मैंने डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी 4 का करना होगा, इसलिए मुझे 8 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 को 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, 6 × 2 यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स रूल कहता है। माइनस 4 में किसी का मल्टीप्लाई करूं ये 12 हो जाए, इसमें मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, यानी 5 में भी मुझे फिर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट आपका ये सॉल्व होके इतना आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जिस 8 × 4 इनका मल्टीप्लाई जैसा देखा इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे स्टूडेंट, इनको सॉल्व कर लोगे, 8 × 4 = 32 / 3 × 4 = 12, प्लस बीच में प्लस साइन है आप यूज करोगे प्लस साइन, 19 × 2 = 6 × 2 = 12, माइनस 5 × 3 = 15 / 4 × 3 = 12। अब स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करोगे यहां जो इनके डिनोमिनेटर है सबके डिनोमिनेटर 12 के सेम हो चुके हैं, जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाएंगे देन आप आसानी से इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, एक बड़ा सा डिवाइड यूज करोगे एंड जो आपका डिनोमिनेटर है 12 ये आप राइट करोगे यहाँ पे, और न्यूमरेटर जिस सीक्वेंस में होंगे आपके जैसे 32 + 38 तो 32 के साथ 38 ऐड हो जाएगा, माइनस 15 ये माइनस में आ जाएगा आपका 32 + 38 - 15 इस तरीके से स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, ऐड वालों को ऐड करोगे और जितना इनका ऐड करके आएगा उसमें से 15 को आप क्या करोगे कम कर दोगे यानी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर जो आपका बचेगा आप दो स्टेप में इसको करोगे, 8 + 2 = 10 कैरी 1 और 3 + 3 = 6 + 1 = 7 यानी ये 70 हो जाएगा, माइनस 15 / 12, 8 + 2 = 10 कैरी 1, 3 + 3 =
सिक्स प्लस वन सेवन, सेवेंटी माइनस फिफ्टी, और ये हो जाएगा आप इसको और कम कर लोगे, सेवेंटी माइनस फिफ्टी, ठीक है, टेन माइनस फाइव फाइव, और कैरी वन वन टू, सेवन माइनस टू फाइव, यानी फिफ्टी फाइव बाई ट्वेल्व। तो फ्रैक्शन जो हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसे 55 बाय 12। आप चाहो तो स्टूडेंट इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, रफ में 12 का डिवाइड आपने 55 से करना है। तो 12 का डिवाइड आप जब 55 से करोगे, 12 हो जा 48, और 50 माइनस 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। 12 का डिवाइड आप 55 से करोगे, आपने 12 की टेबल पढ़ ली है, 55 से ऊपर ना हो, तो 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24, और 12 फोर जा 48 होता आपका। देखो ये 55 से कम है, आप इसको 48 को 55 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 15 माइनस 8 7 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0, तो रिमाइंडर आपका 7 बचा स्टूडेंट। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में एरो डायग्राम से याद रख के एरो डायग्राम का यूज करके आप लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से इसको लिख दोगे, क्वेश्चन 4 होल 7 बाई 12, ये स्टूडेंट आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपसे जो आपकी बुक में अनदर क्वेश्चन है, इसके और पार्ट्स हैं, वो भी आप होमवर्क के रूप में पर डे 2 से 3 क्वेश्चन अपनी कॉपी में भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।